अस्सलाम वालेकुम साथियों, चिकन के सालन की रेसिपी के साथ हाजिर हैं जो कि हमने आपको 2 मिनट्स में देनी है। साथ ही हमने पुलाव तैयार किया है, वीकेंड है तो पुलाव की रेसिपी जो है वो 2 मिनट्स में हमने अलग से भी अपलोड कर दी है और इन रेसिपीज की लॉन्गर वर्जन यहाँ पर मौजूद है। तो हाफ कप ऑयल में हमने 2 मीडियम टू लार्ज साइज के अनियंस जो हैं गुलाबी कर लिए हैं, उसमें हमने 1 कप पानी डालकर उनको प्रेशर दे देना है। हबानेरो ली है 1.5, हमें इसका टेस्ट पसंद है, जिन्हें ना पसंद हो वो बेशक ना डालें। 1 होल गार्लिक डाला है, 1.5 हबानेरो डाली है और 1 इंच का हमने इसमें जिंजर डाला है। इसमें हमने 1 घूंट पानी डालकर इसको पीस लेना है। पीस कर प्याज कभी भी अच्छा सालन तैयार नहीं होता है, मशीसा हो जाता है और उसमें मिठास रहती है। तो आप हमेशा प्याज लाल करके उसको प्रेशर दे लें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो धीमी आंच पर 2 कप पानी डाल के प्याजों को रख छोड़ें, यहाँ तक कि वो गल जाएं, भून लें और बाकी का जो स्टेप्स हैं वो फिर यहाँ से आप फॉलो कर लें। प्रेशर नीचे होने पर हमने प्रेशर कुकर खोला है, इसमें हमने 1.25 किलो चिकन डाल दी है, होल चिकन है फ्रेश, जिसको कि हमने टुकड़ों में काट रखा है। 1 टीस्पून फुल हमने सॉल्ट डाला है, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून फुल क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून फुल चिली पाउडर और 1 टीस्पून फुल हमने कोरिएंडर पाउडर का डाला है। अब हमने इसको ज़रा सा हिला लेना है और जो हमने गार्लिक, जिंजर और हबानेरो पीसी थी वो इसमें डाल के इसको फिर मीडियम आंच पे रख देना है। तो गाहे गाहे देखते रहें यहाँ तक कि ये अपना ही पानी निकाले चिकन और उसी में गल जाए और फिर आप इसको भून लें। तो इसको हमने भून कर इसमें 1 कप पानी डाला है, फ्रेश कोरिएंडर डाला है, थोड़ा सा उबाला आने दिया है 2 मिनट के लिए और आंच बंद करने के बाद हमने इस पर 1 पिंच जो है वो प्योर गरम मसाले का डाल दिया है। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, खुदा करे कि आपको पसंद आई और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।